नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, एंजल कमोडिटी के, और डीएन पाठक साहब हैं, सोपा के ईडी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत गोल्ड के साथ। गोल्ड का मार्केट आज बहुत ज़्यादा एक्शन के मूड में नहीं दिख रहा है। ऐसे में बीरेन जी, क्या लगता है गोल्ड में आपको क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मॉर्निंग में थोड़ा धमाका था, लो एंड पे नाइमेक्स $1800 चला गया, फिर वापस 1840 तक आया। अभी शांत है। आज मार्टिन लूथर किंग हॉलीडे के हिसाब से कॉमेक्स बंद है। आज के दायरे में अगर ये रफ मार्केट में अगर थोड़ा स्पाइक मिलता है 49-300 के आसपास, 300-400, तो मैं शॉर्ट साइड का चांस लूंगा 39-700 के स्टॉप लॉस से। डाउन साइड हम 48-600 तक की रख सकते हैं। अच्छा, तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर। अनुज जी, आज यूएस मार्केट बंद है तो इवनिंग में ट्रेड क्या लिया जाए? 114 रुपये ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड, 48,816 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का करंट मार्केट प्राइस है। क्या करना चाहिए इस भाव पर एग्जैक्टली? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, डेफिनेटली जो ट्रेंड है थोड़ा सा गोल्ड का नेगेटिव हुआ है। लास्ट वीक भी हमने एक नेगेटिव पोर्शन में गोल्ड की क्लोजिंग देखी थी, और अब देखें तो $1850 के नीचे गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर एक्टिव रहेगा, तो करंट रेट के 48,900-48,850 मीन करंट रेट के आसपास बिकवाली करना चाहिए। स्टॉप लॉस 49,300 का रहेगा, टारगेट 48,300 तक देखने को मिल सकता है। तो डॉलर में जो स्ट्रेंथ लौटी है उससे हमें लगता है कि गोल्ड में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड अभी लेना चाहिए। हमें लगता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर गोल्ड में एक्टिव हो सकता है, तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड करंट रेट से बना सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बिकवाली का ट्रेड आप कर सकते हैं गोल्ड में, इस पर आप नज़र रखें। और 48,900 ये गोल्ड का बिकवाली का लेवल होगा, 48,300 के टारगेट के लिए 49,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। और इस वक्त जो मार्केट में करंट मार्केट प्राइस है वो है 48,823 का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। बीरेन जी, चांदी का मार्केट आपको कैसा लग रहा है अभी इस माहौल में? चांदी में क्या करना चाहिए? 400 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी है चांदी में, क्या सुझाव है आपका चांदी के ऊपर? मार्केट ने फिलहाल स्टिमुलस 1.3 स्टिमुलस नंबर तो बड़ा है लेकिन डिस्काउंट कर दिया है उसको, क्योंकि मैं भी ये फिजिबल नहीं है फिलहाल, तो मैं यहाँ भी थोड़ा शॉर्ट साइड का चांस देख रहा हूँ। अगर 66 के आसपास अगर प्राइस मिलता है यहाँ से 700-800 रुपये ऊपर, तो शॉर्ट प्रेफर करूँगा मैं। टारगेट रहेगा 64,700-800 का, स्टॉप लॉस जो सेल एंट्री होगी उससे 400-500 रुपये का रहेगा। अच्छा, तो ये सुझाव है आपका चांदी में, लेकिन आज के लिए बिल्कुल अगले 6 घंटे के लिए एग्जैक्टली करंट मार्केट प्राइस पर कोई ट्रेड बन रहा है क्या अनुज जी चांदी में? देखिए, यहाँ पर भी हमारा सेलिंग का ही व्यू रहेगा। मार्केट अभी करीबन 65,230 के आसपास चल रहा है, यहाँ से भाव होगा 100-150 रुपये ऊपर आते हैं, इतना मुझे लगता है कि फ्लक्चुएशन है इतना, तो वहाँ बिकवाली करके चले समवेयर अराउंड 65,400-65,500 के आसपास। स्टॉप लॉस 66,300 का लगाएं, टारगेट नीचे 64,000 तक हो सकता है। हमें लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ये टारगेट देखने को मिल सकता है, तो दोनों का ही ट्रेंड डाउन है गोल्ड और सिल्वर का, तो यहाँ बिकवाली का ट्रेड मुझे लगता है कि सिल्वर में भी रिकमेंडिंग है, तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड सिल्वर में भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। और पहला सवाल है मलिक साहब का, दिल्ली से जुड़ रहे हैं, पूछिए मलिक साहब। हेलो जी, पूछें। हाँ जी, नमस्कार, मैं राजीव मलिक बात कर रहा था दिल्ली से। जी पूछिए पूछिए मलिक जी। सर, मेरा सवाल है चांदी पे। चांदी मैंने अभी 65,124 पे सेल किया है। अच्छा, 65,124 पर आपने सेल किया है। अनुज जी, अभी मार्केट है 65,223 के आसपास, तो क्या अभी सेल में बने रहना ठीक रहेगा इनके लिए?
जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हालांकि आज मार्केट में ज्यादा मोमेंटम नहीं रहेगा, बट मुझे लगता है कि सेलिंग का जो ट्रेड बनाया है यहाँ पर ये होल्ड करके चले। नीचे हमें लगता है कि 64,500 64,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो वहाँ ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो बिकवाली का ट्रेड ये होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अनुराग जैन हैं आप हमारे साथ, पूछिए जैन साहब। सर मेरा सवाल ये, सर 30 जनवरी तक सोना चांदी कहाँ तक पहुंच जाएगा? 30 जनवरी तक? यस सर। ओके, क्या लगता है बीरेन जी, महीने के आखिर तक क्या प्राइस आप देख पा रहे हैं गोल्ड का और सिल्वर का? बेसिकली ये स्टिमुलस है, और अगर 30 जनवरी के पहले पास हो जाता है, कोई राजकीय दाव पेश नहीं होते हैं, तो हम गोल्ड को करीबन 50,851,300 के आसपास देख सकते हैं, और सिल्वर को 69,000 के आसपास देख सकते हैं। लेकिन अगर पास नहीं हुआ और वो बात चली गई, तो हम गोल्ड को 47 के आसपास देख सकते हैं और सिल्वर को 62 के आसपास देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रूड की, और क्रूड का मार्केट बहुत ही रेंज में है, 3835 का लेवल है, 10 रुपए की तेजी है, क्या किया जाए कच्चे तेल में? अनुज जी, आज शाम को कोई ट्रेड बन रहा है क्रूड में या अवॉइड करें? देखिए क्रूड के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है और हमने देखा कि हायर लेवल से नीचे आया है, तो डेफिनेटली सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो मुझे लगता है कि 3800-3810 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 3740 पे लगाएं, टारगेट 3890 पे लगाएं। जिस तरीके से वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ है और जो लगना स्टार्ट हुआ है, तो उससे एक उम्मीद है कि जो डिमांड है क्रूड की वो बढ़ सकती है, तो मुझे लगता है कि क्रूड को अच्छा सपोर्ट मिलेगा इससे और भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे, तो बाइंग का ट्रेंड मुझे लगता है कि लेना चाहिए क्रूड के अंदर। ठीक है, राधा गुप्ता हैं हमारे साथ इस वक्त एमपी से जुड़ रही हैं, पूछिए। सर एक्चुअली मैंने 53,000 पे गोल्ड लेके रखा है, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि 53,000 तक भाव कब तक आ सकता है और साल के अंत तक गोल्ड और सिल्वर का क्या भाव रहेगा सर? ठीक है, तो बीरेन जी इनका पहला सवाल तो ये है कि 53,000 के भाव पर इन्होंने गोल्ड खरीदा है, वो वाला प्राइस कब तक मिल जाएगा इनको? दूसरा ये कि साल के आखिर तक दाम क्या हो सकते हैं? नॉर्मली मार्केट को टाइम करना मुश्किल रहता है, जहां तक ट्रेंड का सवाल है, तो अभी भी ये लॉन्ग टर्म नजरिए से, यानी 4-6 महीना या 8-10 महीने के नजरिए से बुलिश है। ज्यादातर उसकी आधार जो रहती है वो मॉनेटरी पॉलिसी पे रहती है कि सेंट्रल बैंकों का कैसा रवैया रहेगा। मैं समझता हूँ कि साल के अंत तक शायद गोल्ड कहीं 56-58 समथिंग होना चाहिए, अभी जो सिचुएशन है वो देखते हुए। और 53 का प्राइस मैं समझता हूँ कि दो हिसाब से पॉसिबल है, एफोर्डलेसली पॉसिबल है, आसानी से आ जाएगा। एक तो रुपी फैक्टर, बजट के बाद रुपी में मैं गिरावट देखता हूँ, और कॉमेक्स में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टिमुलस को देखते हुए हम अगले 3-4 महीने में 2150-2200 डॉलर देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर कॉपर का ट्रेंड क्या है अभी फिलहाल 10-15 दिन के लिए बताने का कष्ट करें? 10-15 दिन के लिए कॉपर का ट्रेंड आप जानना चाहते हैं, दाम काफी बढ़ चुके हैं कॉपर के, 610 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या लगता है 10-15 दिनों में भाव अनुज जी कॉपर का? देखिए कॉपर में एक रेंज अभी बनी है, नीचे में करीबन 597 और ऊपर में करीबन 620, ये रेंज मुझे लगता है कि कॉपर में रहेगी। हालांकि हमने हायर लेवल्स पे भी यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है, तो रेंज जो मैंने बताई है वो रेंज रह सकती है। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सलन राइज का स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज करें, क्योंकि हमने देखा है कि टेक्निकल चार्ट्स पे हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वहाँ पर ब्रेकआउट नहीं ले पा रहा है मार्केट और ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो जब भी भाव 615-620 के आसपास मिले तो वहाँ पर आप बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, मतलब आप तेजी पर बिकवाली की ही राय दी जा रही है, दाम चूंकि काफ़ी बढ़ चुके हैं तो अब यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी की गुंजाइश बची नहीं है। अगला सवाल है सुशील का, पूछिए सुशील जी। बताइए बीरेन जी, इन दोनों सवालों का क्या जवाब है? सोयाबीन अभी भी बुल मार्केट है,
इसमें दो कंडीशन रहेगी, एक तो चाइना में जो अभी कोरोना आया है सेकंड वर्जन वो कंट्रोल में रहे, और दूसरा इंडिया में बर्ड फ्लू अगर कंट्रोल में रहता है तो सोयाबीन यहाँ आप 5,000 के ऊपर देख सकते हैं। वैसे एक्यूट शॉर्टेज वाला मामला है ग्लोबल मार्केट्स में। सोयाबीन तेल की बात करें तो अगर अर्जेंटीना की स्ट्राइक खुल जाती है तो यहाँ थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, ड्यूटी कट आती है इंडिया में तो थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। इंडियन सोयाबीन ऑयल का फोरकास्टिंग काफ़ी टफ है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का अच्छा खासा रोल ड्यूटी का कारण रहता है। ठीक है, अगला सवाल है कृष्णदास का, पूछिए। पूछिए दास साहब। ग्वार पर सवाल है था, फरवरी तक कितने में क्या भाव हो सकता है? फरवरी तक ग्वार का भाव क्या हो सकता है बताइए अनुज जी, कुछ अंदाजा, क्योंकि दाम लगातार दबाव में है और आज भी 3900 के नीचे क्लोजिंग हुई है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की, क्या लगता है आपको आगे प्राइस? देखिए अगर हम इन रेट के आसपास देखें तो यहाँ पे काफी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है और हमने देखा है कि इन लेवल्स पे मार्केट सपोर्ट भी ले रहा है, हालांकि दबाव में है मगर ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और अगर हम लेवल वाइज देखें तो ग्वार सीड मुझे लगता है कि एक बार फरवरी में 4,000 के आसपास के लेवल्स दिखा सकता है, तो इन लेवल्स पे मुझे लगता है कि शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, अगर लेना है तो बाय का ट्रेड लें, हमें लगता है कि 4,000 के आसपास तक के लेवल ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है अशोक का, गंगानगर से हैं हमारे साथ, पूछिए अशोक जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल है ग्वार के लिए। जी, ग्वार 4,500 रुपए इस हफ्ते हो सकता है? इस हफ्ते 4,500? हाँ जी। बीरेन जी बताएं सर। मुझे नहीं लगता। इतना ही जवाब सर, इतना छोटा क्यों नहीं लगता? इम्प्रोबेबल है तो, क्योंकि ऐसा कोई कारण एक वीक में दिख नहीं रहा है कि इतना वाइड फोरकास्ट में कर पाऊं, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। कितना 4,400 लग रहा है सर? मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 रुपए से ज्यादा तेजी संभव नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं इतनी बड़ी तेजी फिलहाल संभव नहीं है। अगला सवाल है रोहित का, पूछिए रोहित जी। साल भर पहले सर ने गया बोला था बॉटम आउट हो गया है और ने वहां से 25% मुनाफा कमाया था, अभी बीरेंद्र बोलने का इंतजार कर रहे हैं बॉटम आउट हो गया है अभी भाई करो। आवाज, आपका सवाल ठीक तरीके से समझ नहीं पाया मैं कि आपकी आवाज कट रही है सर। हाँ, अच्छा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलिए खैर, गोल्ड बॉटम आउट हुआ है नहीं ये अगर मोटे तौर पर मैं समझ पा रहा हूँ तो क्या लगता है आपको अनुज जी? देखिए बॉटम आउट तो अभी नहीं हुआ है हालांकि, क्योंकि अगर हम पिछले 2 महीने से देखें तो इसी रेंज में कंटिन्यूस ट्रेड किया है, नीचे में 48 और ऊपर में 51,000, तो ये रेंज जो है मार्केट ने बना ली है और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसी रेंज में गोल्ड चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब तक स्टिमुलस पैकेज नहीं आता या फिर इंडिया के जो बजट आएगा फरवरी में उसमें कुछ ऐसी कुछ अनाउंसमेंट केवाईसी को लेकर या कस्टम ड्यूटी को लेकर अनाउंसमेंट्स होंगी तो हम उस टाइम पे कुछ हलचल देखेंगे, तो अगर उस टाइम पे मार्केट ब्रेकआउट लेता है तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट बॉटम आउट हुआ है। अभी फिलहाल जो रेंज है वो 4,800 से लेकर 51,000 के बीच मार्केट की रेंज चल रही है और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट इसी रेंज में चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगला सवाल है राहुल चौधरी का, पूछिए राहुल जी। सर जी मेरे को इसमें कॉटन सीड ऑयल केस में पूछना है कि अभी ये और कितना क्या नीचे जाएगा कि यहाँ हो गया इसका ब्रेक, और एक इसमें एक हाजिर में क्या जैसे ये बढ़ता है तो बढ़ाते हैं घटता है तो घटाते नहीं, अभी जैसे कॉटन सीड मिलता है 3100 रुपए क्विंटल का और कल का भाव आ रहा है इसमें अभी 2,000 ही, तो इतना डिफरेंस कैसे चल रहा है बताइए बीरेन जी, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर्स में 99% लोग बुलिश है, सब लोगों को 2,500-3,000 ऐसा नंबर दिख रहा है और मार्केट का एक रूल होता है कि मेजोरिटी मस्ट बी रॉन्ग, एक कारण ये हो गया। और हाजिर का जो बात कर रहे हो वो भी मैं पूर्णतया सहमत हूँ, क्योंकि फिजिकल में इंडियन क्रॉप कॉटन का क्रॉप बेसिकली छोटा थोड़ा दिख रहा है अगाओ के पूर्वानुमान से, तो फिजिकल टाइट है लेकिन सेंटिमेंट ऐसा हो गया कि सट्टा गिरे तो किसी को मुफ्त में नहीं लेना है, सट्टा 10 रुपए भी बढ़े तो किसी भी भाव पे लेना है, ये मानसिकता मार्केट को डिस्टर्ब कर रही है। ओके, ये राय आपकी है।
लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि जो कि बजट आने वाला है, तो अलग अलग सेक्टर की बजट से इस बार की क्या उम्मीदें हैं, इसी पर हम रोज़ आपको बताते हैं कुछ ना कुछ। आज हम आपको बताएंगे कि ऑयल सेक्टर, खास करके जो तिलहन का मार्केट है और तिलहन सेक्टर जो है, तिलहन सेक्टर की बजट से क्या उम्मीदें हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीएन पाठक साहब हैं, ईडी हैं सोपा के। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या उम्मीदें? उम्मीद तो खैर आप लोग मतलब कर रहे हैं, ज़्यादा ही है उम्मीदें, लेकिन मैं जानने में इसमें इंटरेस्टेड हूं कि आपकी कौन कौन सी ऐसी उम्मीदें हैं जो इस बार आपको पूरी होने की संभावना दिख रही है। ये तो डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि सरकार क्या करेगी कहना मुश्किल है, लेकिन जो हम चाहते हैं उसमें हमारी पहली प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है कि किसी तरह ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सी एडिबल ऑयल जो कि रेडी है पिछले एक साल से डॉक्यूमेंट, वो हम उम्मीद करते हैं इस बार कि वो इस बजट में अनाउंस हो जाएगा। अच्छा। तो पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बात जो है उससे काम शुरू होगा कुछ। दूसरा ये भी हम सुन रहे हैं कि कस्टम ड्यूटी पर घटानी चाहिए, एडिबल ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं। अब हमारी ये बड़ी उम्मीद है, हम कहते हुए रहे आप ड्यूटी मत घटाइए, ड्यूटी घटाने का फायदा पाम ऑयल का इंडोनेशिया मलेशिया ले गया, सोयाबीन पे घटाएंगे तो अर्जेंटीना ले जाएगा। अच्छा। दूसरा बाकी हम चाहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए, तो एक तो रोडटेप अनाउंस नहीं हुआ हमारे सोयाबीन मील पे, रोडटेप का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, हमको ये नहीं मालूम कि हम कॉस्टिंग में क्या पकड़ के चले, तो थोड़ी समस्या है। जीएसटी के रिफंड में समस्याएं आ रही हैं, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए, और हम समझते हैं कि शायद कुछ उस पर काम हो कि जीएसटी की जो समस्याएं हैं एक्सपोर्टर की वो थोड़ी कुछ कम हो। अच्छा। ब्रांड इंडिया का थोड़ा प्रमोशन करना चाहिए, और एडिबल ऑयल की इम्पोर्ट और कंजम्पशन में एक टारगेटेड रिडक्शन होना चाहिए। अच्छा। जितना जरूरी है उतना होना चाहिए, एक्सेसिव इम्पोर्ट बंद हो, उसके लिए चाहे रेस्ट्रिक्टिव करें, चाहे टीआरक्यू लगाएं, चाहे जब मौसम हो सीजन हो तब कम करें, कुछ करना चाहिए। ऐसी चार पांच छह चीजें हम चाहते हैं कि हो, उनमें से कुछ शायद उम्मीद हो कि हो भी जाएंगे। अच्छा। तो ये लेकिन ये बताइए पाठक जी कि आपका जो सेक्टर है वो तो कंज्यूमर से भी जुड़ा हुआ है, ये तो जितनी भी डिमांड आपने बताई है वो इंडस्ट्री के लिए है, कंज्यूमर के लिए कुछ डिमांड नहीं है क्या कि ताकि लोग मतलब सस्ते तेल को खरीद पाएँ, उनके लिए थोड़ा सस्ता हो जाए तेल, इसको लेके कोई डिमांड आपकी? क्योंकि दाम तो काफ़ी बढ़े हैं हाल के दिनों में एडिबल ऑयल के। किसान जो सोयाबीन का तेल वगैरह जो उगाता है, सोयाबीन मूंगफली जो भी, वो भी कंज्यूमर है, ये ना भूले हम लोग। तो एक तरफ हम चाहते हैं कि किसान को अच्छा दाम मिले, दूसरी तरफ हमको समस्या है कंज्यूमर को का दाम कम हो, ये दोनों चीजें साथ में संभव नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था कि लेकिन किसान भी तो कंज्यूमर है सर, मैं यही तो बोल रहा हूँ। तो किसान को अगर किसान को अपने, अगर मान लीजिए किसान अपना माल सस्ते में बेच दे और उसी माल को रिफाइन करके उन तक पहुंचाया जाए महंगे दाम पे, तो ये तो और दुखद बात है ना सर। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि किसान को अगर ये चाहिए कि उसका माल महंगे भाव में बिके, तो थोड़ा सा भाव तो बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि किसान का माल महंगे भाव में बिके, ये तो मैं कह रहा हूँ। थोड़ा सा क्या मतलब है आपका, कितना? देखिए जो अभी तेल के भाव है मुझे उसको कोई समस्या दिखाई नहीं देती बिल्कुल भी। नहीं, थोड़ा जो आप कहें थोड़ा भाव बढ़ना चाहिए, कितना? मतलब 120 रुपए का तेल 200 रुपए हो जाना चाहिए या 300 रुपए हो जाने चाहिए, इसको थोड़ा किसको मानते हैं जरा? पहले तो 30 रुपए का तेल होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बेकार की बात है। नहीं, 120 रुपए की बात कर रहा हूँ, 120 नहीं 120 रुपए का तेल, अभी 120 तो है तेल का जो अभी भाव है साहब। हाँ, वो बिल्कुल सही है, वही मैं कह रहा हूँ आपसे, कितना होना चाहिए जिसको आप थोड़ा मानेंगे? अभी जो भाव ठीक है ना, मैं ये तो बोल रहा हूँ, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना? ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एडेबल ऑयल सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं ये बताने के लिए। लेकिन ये तो बात हो गई कि तिलहन सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस बजट से किसानों की क्या उम्मीदें हैं। और बजट में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि राजस्थान के किसानों को इस बार के बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अलग अलग वर्ग से आए हुए किसान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, आप बताइए कि आप लोगों को सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, बजट में क्या चाहते हैं आप सरकार से? अभी जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस गाँव में हम रह रहे हैं, उस गाँव की आज ये कंडीशन है कि यहाँ के किसान धोबी के कुत्ते हो चुके हैं,
ना उनको शहरी क्षेत्र की कोई सुविधा मिलती है, ना ही उनको कोई ग्रामीण क्षेत्र की सुविधा मिलती है। किसी तरह की कोई राशन की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, राशन की अगर है भी तो दुकान का ही पता नहीं है। किसान को ये पता नहीं है कि अपने को राशन कहाँ से लेना है, कहाँ मिलेगा। आपको क्या लगता है बजट में क्या होना चाहिए किसान के लिए? ऐसा है जी, बजट में किसानों के लिए एक अलग बजट पास होना चाहिए। जैसे अपना डिफेंस है उसमें अलग वो बजट होता है, एग्रीकल्चर का ही अलग बजट का होना चाहिए। आज एक सर्विस मैन चपरासी में मर जाता है तो उसको 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए मिलते हैं, और एक किसान मर जाता है तो उसको 5 लाख रुपए भी नहीं है। जबकि केंद्र सरकार ने इसको 10 लाख किया था, राजस्थान सरकार ने वो हटा दिया। इसलिए केंद्र सरकार कम से कम किसानों के लिए 25 लाख रुपए तो कम से कम एक मृत्यु होने पर खेती का काम करने के दौरान, खेती काम किसान वही होता है, किसान वही होता है जो खेती करता है। एक किसान की मौत होने पर 25 लाख रुपए कम से कम देने चाहिए खेती के लिए अलग बजट। और खास बात यह आई है कि किसान अगर खेती का काम करते हुए उसका जीवन खत्म हो जाता है तो उसको राहत राशि 25 लाख रुपए तक की दी जाए। आपको क्या लगता है, क्या केंद्र से मांग आपकी किसान? देखिए सर, केंद्र से मांग तो हमारी यही है कि जितना हो सके, केंद्र सरकार हर योजना पे करोड़ों के, हजारों करोड़ों के बजट देती है, किसान का हित ध्यान में रखते हुए उनको सबसे पहले, कोई प्रदेश हो जहाँ पानी की विकट समस्या है, जैसे राजस्थान है साहब, यहाँ पे बहुत से ऐसे तालाब हैं, बहुत से ऐसे बांध हैं जिनका जीर्णोद्धार कराया जाए, तो एक शहरी क्षेत्र और उसके साथ साथ किसान का क्षेत्र वो बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो सकता है। पानी के ऊपर मेरा तो केंद्र सरकार से ही है, जितना बजट हो पानी के लिए, किसानों के लिए पानी का बजट आएगा तो किसान अपने आप ही सुदृढ़ होता जाएगा। तो पानी के ऊपर जितना ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा बजट पास करना चाहिए और किसान को राहत पहुँचानी चाहिए। केंद्र सरकार को सबसे पहले तो किसानों के लिए, ये हम राजस्थान प्रदेश से हैं तो यहाँ सबसे विकट समस्या पानी की है, तो यहाँ ईस्ट कैनाल परियोजना है वो तालमेल बिठा के राज्य सरकार और केंद्र सरकार उस पर उसको अमल में लाए तो यहाँ का वाटर लेवल बढ़े, और वाटर लेवल बढ़ेगा तो यहाँ बिजली का खर्चा भी कम आएगा। पहले 15 फंवारे चलते थे, अब 1-2 फंवारे चलते हैं, बिजली का मीटर जो विद्युत खर्च होता है ना वो उसकी लागत ही कृषि जो उपज हो रही है उससे ज़्यादा बैठ जाता है। तो किसान की स्थिति तभी सुधरेगी जब यहाँ ग्राउंड का वाटर लेवल में सुधार होगा। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल में गोल्ड हमने शामिल किया है, गोल्ड में बिकवाली करके चले, टारगेट 48,300 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल। नेचुरल गैस, हाँ नेचुरल गैस में बाय करूंगा 188 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 184, टारगेट रहेगा 199। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल में कॉपर में बिकवाली करके चले, 612 के आसपास, स्टॉप लॉस 616 का रहेगा, टारगेट 605 तक हो सकता है। शुक्रिया आप अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।